साथियों, स्वस्थ मसूड़ों के लिए और मसूड़ों की बीमारी को रोकने और उसका इलाज करने के लिए मौखिक स्वच्छता का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। इसमें दांतों को सही तरीके से ब्रश करना, सही टूथपेस्ट चुनना, फ्लॉसिंग और बहुत कुछ शामिल हो सकता है। मसूड़ों की बीमारी से दांत खराब हो सकते हैं। सौभाग्य से एक व्यक्ति मसूड़ों की बीमारी को रोकने और यहाँ तक कि उसे उलटने के लिए कई कदम उठा सकता है। इनमें शामिल है दांतों को सही तरीके से ब्रश करना, सही टूथपेस्ट चुनना, प्रतिदिन फ्लॉसिंग करना, मुंह धोते समय सावधानी बरतना, माउथ वॉश का उपयोग करना, नियमित रूप से दांतों की जांच करवाते रहना, धूम्रपान रोकना। निम्नलिखित आदतों और उपायों को अपनाने से व्यक्ति को अपने दांतों और मसूड़ों की उचित देखभाल करने में मदद मिलेगी, जिससे मसूड़ों की बीमारी को रोकने में मदद मिल सकती है। पहला उपाय है दांतों को ठीक से ब्रश करना। दांतों को सही तरीके से ब्रश करना स्वस्थ मुंह और मसूड़ों के लिए महत्वपूर्ण है। मुलायम ब्रिसल वाले टूथब्रश और फ्लोराइड टूथपेस्ट का उपयोग करके दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना। टूथब्रश को हर 3 से 4 महीने में बदल लें, या यदि ब्रिसल्स घिसने लगे तो पहले भी बदल दें। दांतों को मसूड़ों से 45 डिग्री के कोण पर ब्रश करें। टूथब्रश को छोटे छोटे स्ट्रोक में चलाएं, धीरे से दबाएं। ब्रश को लंबवत घुमाकर और प्रत्येक दांत पर कई बार छोटे स्ट्रोक लगाकर सामने के दांतों के अंदर के हिस्से को साफ करें। दूसरा उपाय है सही टूथपेस्ट चुनें। अधिकांश दुकानों में टूथपेस्ट की दुकानों में कई प्रकार के टूथपेस्ट मिलेंगे, जिनमें सफ़ेद करने वाले उत्पादों से लेकर बेकिंग सोडा युक्त उत्पाद भी शामिल होंगे। टूथपेस्ट चुनते समय व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसमें फ्लोराइड है तथा पैकेजिंग पर आडा की स्वीकृति मुहर लगी है। तीसरा उपाय है रोजाना फ्लॉस करें। कई लोग दैनिक रूप से दांतों को साफ करने की उपेक्षा करते हैं, लेकिन आडा इस आदत को मौखिक देखभाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। फ्लॉसिंग से दांतों और मसूड़ों के बीच से भोजन और प्लाक को हटाया जाता है। अगर भोजन और प्लाक इन क्षेत्रों में रह जाते हैं तो इससे टार्टर बन सकता है, जो बैक्टीरिया का एक कठोर जमाव है जिसे केवल दंत चिकित्सक ही हटा सकते हैं। टार्टर से मसूड़ों की बीमारी हो सकती है। चौथा उपाय है अपना मुंह सावधानी से धोएं। बहुत से लोग अपने दांतों को ब्रश करने के बाद खुला करते हैं। हालांकि मौखिक स्वच्छता प्रथाओं को फ्लोराइड उत्पादों जैसे टूथपेस्ट की प्रभावशीलता के पूरक होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट से अपने दांत साफ करने के बाद पानी से अपना मुंह धोता है तो फ्लोराइड धुल जाता है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति भोजन करने के बाद कुल्ला करता है तो वह भोजन और बैक्टीरिया को बाहर निकाल देता है, जिससे प्लाक और हार्टर उत्पन्न हो सकते हैं। पांचवा उपाय है माउथ वॉश का उपयोग करें। आडा के अनुसार माउथ वॉश 2 प्रकार के होते हैं, चिकित्सकीय और कॉस्मेटिक। दोनों ही काउंटर पर उपलब्ध है। चिकित्सकीय माउथ वॉश निम्नलिखित में मदद कर सकता है: मसूड़ों की बीमारी को रोकना, टार्टर के निर्माण की गति को कम करना, दांतों का प्लाक की मात्रा कम करें, मुंह में भोजन के कण निकालें। हालांकि लोगों को ब्रशिंग और फ्लॉसिंग के विकल्प के रूप में माउथ वॉश का उपयोग नहीं करना चाहिए। छठा उपाय है नियमित रूप से दांतों की जांच करवाएं। डेंटल चेकअप में आमतौर पर मुंह की पेशेवर सफाई शामिल होती है। दांतों से टार्टर हटाने का एकमात्र तरीका पेशेवर सफाई है। पेशेवर सफाई से प्लाक को हटाने में भी मदद मिल सकती है, जिसे कोई व्यक्ति अपने दांतों को ब्रश करते समय भूल सकता है। नियमित रूप से दंत चिकित्सक के पास जाने से मसूड़ों की बीमारी और मसूड़े की सूजन के शुरुआती लक्षणों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मसूड़े सूज जाते हैं, समय पर पता लगने से अधिक गंभीर समस्याओं को होने से रोकने में मदद मिल सकती है। सातवां उपाय है धूम्रपान बंद करें। चिकित्सकों के अनुसार रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र CDC विश्वसनीय
स्रोत धूम्रपान से व्यक्ति मसूड़ों की बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है क्योंकि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। CDC मसूड़ों की बीमारी के जोखिम को कम करने के लिए तुरंत धूम्रपान छोड़ने की सलाह देता है। अन्य तंबाकू उत्पादों के उपयोग से भी व्यक्ति में जोखिम बढ़ सकता है। आहार संबंधी सुझाव। एक व्यक्ति जो खाता है उसका सीधा असर उसके दांतों और मसूड़ों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। अलग अलग खाद्य पदार्थों का मसूड़ों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। कुछ खास पदार्थ जिन्हें लोगों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए ये है, उच्च फाइबर वाले फल और सब्जियां क्योंकि ये मुंह को साफ करने में मदद कर सकते हैं। काली और हरी चाय जो बैक्टीरिया को कम करने में मदद करती है। डेयरी उत्पाद जैसे दूध, पनीर और दही क्योंकि ये खाद्य पदार्थ लार उत्पादन बढ़ाने में मदद करते हैं। फ्लोराइड युक्त खाद्य पदार्थ जिनमें पानी और कुछ पोल्ट्री और समुद्री खाद्य उत्पाद शामिल है। चीनी रहित गम क्योंकि इसे चबाने से लार का उत्पादन बढ़ जाएगा। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों से बचना सबसे अच्छा है। कार्बोनेटेड शीतल पेय जिसमें फास्फोरस और साइट्रिक एसिड के साथ साथ चीनी भी होती है। शराब क्योंकि यह मुंह को सुखा सकती है। चिपचिपी कैंडी और मिठाइयां जो मुंह में कुछ देर तक रहती है। स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ जो दांतों में फंस सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।